सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम दास है जी। सर कहाँ से आए आप? जी मैं गांव करा साहब तहसील पेवा जिला कुरुक्षेत्र से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से 13 दिसंबर 2008 से जुड़ा हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मैं जैसे मंदिर हैं या गुग्गा मैडी है, जैसे बागड़ में मशहूर है ये गुग्गा मैडी का मंदिर, वहाँ भी जाते थे हम। कई कई दिन का भंडारे में भी चले जाते थे वहाँ तो। और गांव में गुरुद्वारा है, वहाँ भी सेवा करते थे हम। और एक मेरे माता पिता बचपन से जुड़े हुए थे, एक संत हैं पंजाब में, बुलाड़ा मंदिर है, तो वहाँ जाते थे, उनके साथ भी हम वहाँ जाते रहे। लेकिन सर उनके जाते हुए भी हमें इतनी प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा थी प्रॉब्लम उनके जाते हुए भी। तो हम इन मंदिरों में, और जैसे हमारे उसमें डेरा है एक बाबे का, जैसे इनके जो साध होते हैं जो डेरे बनाए होते हैं, इनके डेरों में भी जाते थे, वहाँ सारी सारी रात चले जाते थे। इनकी चिलम भरनी, उक्का भरना इनका, और वैसे इनके पैर दबाने जाके भी बाबा जी हैं या संत हैं। सर जो भी साधनाएँ पारंपरिक हैं ये संसार में, जो भी हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, जो हमें लगाई हुई थी, वो सभी कर रहे थे सर हम पहले। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उनको करने से आज मुझे ज्ञान हुआ कि हमें उनसे कोई भी लाभ नहीं था। हम उनको कर भी रहे थे और कष्ट भी साथ के साथ भोग रहे थे। कष्ट ऐसा है, मेरी शादी हुई, हम सभी जाते थे जी, हाँ मंदिर में भी जाते थे, जैसे डेरे में, जैसे मैं बागड़ में ज़्यादा विश्वास रखते थे हम, जैसे गुग्गा मेडी है तो इनके मंदिर में जाते थे हम तकरीबन। लेकिन वहाँ जाते जाते भी हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि बहुत ज़्यादा घर में क्लेश रहता था, बीमारी रहती थी घर में। मेरी शादी भी हो चुकी थी लेकिन एक लड़का था मेरा, मेरा लड़का हुआ जब वो 2-3 साल का हो गया, तो उसके गुर्दे में प्रॉब्लम आ गई, उसके गुर्दे में इन्फेक्शन हो गई, तो मैं PGI ले गया, तो उन्होंने 1.5 महीना दाखिल रखा उसको, तो उन्होंने दवाई दी, वो कहते भी शायद इसको सारी उम्र खानी पड़ी ये दवाई। तो मैं सोचता था वहाँ, जब यार हम इन मंदिरों में जाते हैं, जैसे मैं गुग्गा मेडी पे जाता हूँ, लोग कहते थे वहाँ से बहुत लाभ होता है, जैसे ये पुच्छा वगैरह रहते हैं, जैसे चौंकियाँ वगैरह लगाते हैं, इन पे भी जाते थे, और इतने इनके जाने के बावजूद भी हमें कोई राहत नहीं थी इनसे, कोई लाभ नहीं था इनसे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मेरा एक क्लिनिक है गाँव के अंदर, मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ अखबार लगाई हुई थी हमने पंजाब केसरी, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का उल्लेख आता था, और वो सभी धर्म गुरुओं के बारे में और शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों के गुड़ रहस्यों को बताते थे, जो रहस्य आज तक हमने कभी सुने भी नहीं, हमारे पूर्वजों को भी उन रहस्यों का नहीं पता भी ये भक्ति कैसी है, शास्त्रों के अनुसार क्या है, गीता क्या है, वेद क्या है, ये देवी भागवत क्या है, और ये देवी देवताओं की पूजा करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन मंदिरों में जाना चाहिए नहीं भी जाना चाहिए, इन सब का हमें नहीं पता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज का उल्लेख आया, हमने एक दिन पढ़ा, दो दिन पढ़ा, शुरू मतलब में ऐसे हुआ यार एक संत है ये, पता नहीं क्यों दूसरों की क्रिटिसाइज करता है, क्यों दूसरों की निंदा कर रहा है, जैसे राधा स्वामी वालों के नाम बता देते थे, सरसे वालों को नाम बता देते थे, हमने सोचा मां नहीं यार ये तो गलत कर रहे हैं संत, ऐसा थोड़ी होता है कोई एक दूसरे का नाम थोड़ी बताता है। लेकिन सर जब हम धीरे धीरे हम उसको पढ़ने लगे, तो उसके अंदर लिखा आता था भी आप अधिक जानने के लिए परमेश्वर का सार संदेश पुस्तक निःशुल्क मंगाएं, कोई पैसा नहीं देना, कोई डाक खर्च नहीं देना था। तो हमने सर वहाँ से वो पुस्तक मंगाई और वो पुस्तक हम पढ़ने लगे, हमने कम से कम 1 महीने में वो पुस्तक पढ़ दी, और उस पुस्तक से हमने सभी शास्त्रों का मिलान करा, मेरी दुकान में आज भी सभी शास्त्र रखे हैं और मैंने सभी को मिलान कराया उनका। तो हमने जो देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सच है, अगर झूठ हैं तो सिर्फ हम हैं जी, हम समझ नहीं सके उसको। तो हमने सोचा कि भी एक बार आश्रम में जाना चाहिए, जब क्रोंथा आश्रम था, जब हम पहली बार वहाँ गए। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिले? सर उसको करने से मेरे को बहुत लाभ हुआ है। मैं पहले तो आपको लाभ बताता हूँ, मैंने आपको सर थोड़ी देर पहले बताया भी मेरे लड़के का गुर्दे में इन्फेक्शन थी, लेकिन उसकी दवाई चल रही थी। जब से मैंने नाम उपदेश लिया और मेरे बच्चों ने लिया संत रामपाल जी महाराज, पहले तो उसके गुर्दे की इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी दवाई बंद हो चुकी है, और आज वो बच्चा 9th में पढ़ता है और उछलता है, जबकि डॉक्टरों ने उसकी दुकान की चीज़ें मना की हुई थी भी इसको ये नहीं देनी है, लेकिन सर वो आज सब कुछ चढ़ता है, तो आज सब कुछ खा लेता है, वो जो भी चाहे कुछ भी खाता है, कोई इन्फेक्शन नहीं। मैं हर 6 महीने में या महीने में उसका टेस्ट कराता हूँ, जैसे कि PGI वालों ने बोला था, मेरे पे रिपोर्टें भी रखी हैं घर,
अगर ये कोई भी भाई अगर भगत समाज ना मतलब ये कहता हो भी नहीं हो सकता, तो मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं, मैं उनको दिखा सकता हूँ, मैं मेरे पे रखी हैं बाद की भी और नाम लेने के बाद की भी। अब उस बच्चे का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है गुर्दे में, और उसके पहले मेरी भगतमती की एक लात सुन रहती थी, ये लात सुन रहती थी तो उसको पीड़ा बहुत हुई। तो पहले यही हम जैसे भी पहली परंपरा की साधना करते थे तो नहीं ठीक हो पाई, लेकिन जिस दिन से नाम लिया है सिर्फ एक बारी दवाई दिलवाई थी, एक इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद दोबारा पीड़ नहीं हुई है उसकी लात में, इतना लाभ मिला है। और फिर अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मंदी थी जी, एक छोटा सा क्लिनिक है उस पर इतनी आमदनी भी नहीं होती गाँव में, और पैसे के लिए भी बहुत हार्ड टाइट था, कभी एक साइकिल भी नहीं जुड़ता था। लेकिन जिस दिन से नाम उपदेश लिया है परमात्मा का, उस दिन से परमात्मा ने आर्थिक स्थिति तो सुधारी, और एक जिसकी हमें कभी तमन्ना भी नहीं, मैं बाइक ले सकता हूँ, तो मैंने एक बाइक ली नहीं, और परमात्मा की सेवा में जाता हूँ मैं, मुझे खुशी होती है और बहुत लाभ हो रहे हैं। घर में स्थिति ठीक है, पहले जैसे मैं पशु पालता हूँ, मैं से रखता था दो तीन, वो भी मरती रहती थी, कभी मर गई, कभी किसी पूछे वाले के साथ कोई कह देता तेरा वो रुष्ट हो गया, तू ये कर ले, तू ये साधना कर, बथेरी करी। लेकिन नहीं, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, आज परमात्मा की दया से पशुओं में भी हानि नहीं है कोई भी, और बहुत लाभ ऐसे हैं मतलब कि मैं आपको नहीं गिना सकता, ऐसे छोटे मोटे लाभ तो बहुत हैं। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सर, जब हम सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो वहाँ हमें, जब हम अंदर प्रवेश करते थे तो हमें ऐसा लगता था भी जैसे हम किसी ऐसे लोक में आ गए हों जहाँ भाईचारा और एक दूसरे से बड़े स्नेह से हाथ जोड़कर सत्साहब, और ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई बीमारी वाले को नफरत करता था, चाहे किसी को कैंसर भी हो चाहे टीबी भी हो, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं, सब स्थान देते थे। जो बीमार जाते हैं नए भक्त, जो नाम उपदेश लेने जाते हैं या कोई वैसे भी चला जाता है, उनको हाथ जोड़कर स्थान देकर बैठाते हैं। ऐसा मतलब कि इस पृथ्वी लोक पे ऐसा सहानुभूति या ऐसी मतलब कि मैंने कहीं अनुभव नहीं किया भी जैसे बरवाला के अंदर, सतलोक बरवाला के अंदर जैसे लोग प्रेम प्यार से आपस में मिलकर बैठते थे। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कितने पैसे देने पड़े? सर, जिस टाइम हम नाम लेने के, जब हमने नाम लिया वहाँ, ये तो एक अफवाह है, और तकरीबन मैं आप लोगों से, मीडिया वालों से निवेदन करना चाहूँगा भी इस तरह की अफवाहें मत फैलाएं। पहले वहाँ जाकर देखते, आप पहले वहाँ जाके देखो भी ऐसा क्या है। वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी पड़ती या कोई भी कुछ भी नहीं देना पड़ता वहाँ नाम दीक्षा के लिए। आप जाओ, आपको नाम दीक्षा दी जाएगी, और भी बहुत सुविधाएं हैं, बड़े प्रेम से बैठते हैं भगत। वहाँ का आप वातावरण देखोगे तो आपको लगता नहीं, वहाँ इतनी फ्री सेवाएं दी जा रही हैं, लेने के तो बाद दूर की बात है। ये तो आप मीडिया वालों ने ज़्यादा अड़ंगा उड़ा दिया भगत जी, भी वहाँ ये लेते हैं 10,000 रुपये लेते हैं 20,000। आप जाके तो देखते, पहले वहाँ आप जाके देखो, वहाँ आपको पता चलेगा भी संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम क्या चीज़ है। वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता भगत जी। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो भगत भाई, जो समाज है, ये सभी से प्रार्थना करता हूँ, जो ये कहता है भी संत रामपाल जी महाराज सभी गुरुओं की निंदा करते हैं, ये उनकी एक भूल है। और दूसरा कारण यह कि उनको खुद ज्ञान नहीं है, उन्होंने अपने शास्त्र नहीं देखे हैं। अगर वो अपने शास्त्र देख लेते, अगर उन गुरुओं का मिलान कर लेते भी हमें साधना सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो ये बात नहीं कहते। अब देखो, कोई कहीं भी जुड़ा है, किसी भी गुरु के पास जुड़ा है, एक बात तो तय है, अगर वो गुरु अपने गुरु को सही मानते हैं और कहते हैं हमारे गुरु की निंदा करता है, जो गुरुदेव उनके नाम देते हैं, जैसे अब गुरु जी दिखाते हैं राधा स्वामी वाले 5 नाम देते हैं, धन धन सतगुरु वाले 3 नाम देते हैं, कहीं प्रमाण है इनका? किसी संत ने जाप किए हैं? किस संत ने जाप करके पार हुआ है? जैसे नानक साहब हुए, दद्दू साहब हुए, गरीबदास जी हो या नामदेव जी, रविदास, क्या इनकी वाणी में है वो नाम जो ये देते हैं जिनसे उनका पार हुआ? लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज हमें 3 नाम का मंत्र देते हैं, 3 नाम की दीक्षा देते हैं, वो रविदास ने भी जपी, नामदेव जी ने भी जपी, नानक साहब ने भी जपी, इन सभी संतों ने वही दीक्षा ली है जो हमें आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। लेकिन वो निंदा कहते हैं, निंदा तो उनको ऐसे लग रही है क्योंकि उनका ज्ञान अब फेल होने लग रहा है, उनके पास से लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं उनको इस ज्ञान को सुन के। क्योंकि सर, निंदा वही आदमी कहते हैं ना जिसको खुद ज्ञान नहीं, अगर ज्ञान हो जाएगा तो निंदा थोड़ी कहेंगे, फिर तो उनको ज्ञान हो जाएगा भी बाकी ये सच बोल रहे हैं, और एक सत परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के उसमें, जो अपना ज्ञान खुद करा रहे हैं आगे, नहीं बक्की ये नकलियां तो बट्ठा बिठा दिया था समाज का जी, गलत साधना ही देगी। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं,
उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही क्यों गए? सर, मैंने अभी पहले बताया भी आपको भी जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो सभी शास्त्रों से मिलान है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, चार वेद हैं, देवी भागवत है, भगवत गीता है हमारी, उनके अंदर से संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे एक मक्खन होता है ना, भी मक्खन ताके मक्खन आ गया, वो मक्खन ज्ञान उन्होंने बाहर निकाल के इधर दिया और वो हमको दिया। और उन संतों से, जितने भी संत हैं, इन सबसे अलग है ये ज्ञान। अगर आपको यकीन आए, आप कभी ज्ञान गंगा पुस्तक लेके पढ़ना और फिर मिलान करना, आपको पता लग जाएगा उन संतों का ज्ञान क्या है और इनका क्या है। और जिन संतों ने परमात्मा पाया है, उनकी वाणी के अंदर यही मंत्र विद्वान है, और संत रामपाल जी महाराज वही दे रहे हैं हमें। और अब ठीक है, कोई अपनी जगह लग रहा है तो अपने को फाइनल मान ले भी मेरा गुरु ठीक है भी, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए प्रमाण जरूरी होते हैं। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वही ठीक है, बाकी जो धर्मगुरु ज्ञान देते हैं वो ठीक नहीं है? सर, ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ भी वो गलत क्यों हैं। सर, जैसे संत रामपाल जी हमारे को साधना दे रहे हैं, वो हमारे सदग्रंथों में मौजूद है, और जिन संतों ने परमात्मा पाया उनके शास्त्रों में मौजूद है, और जो अन्य धर्म गुरु ये मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो किसी भी सदग्रंथ में मौजूद नहीं है, ना उनका कोई सर है, ना कोई उनका पैर है। और संत रामपाल जी महाराज ये जो दीक्षा दे रहे हैं, ये जिन संतों ने परमात्मा पाया है और जो परमात्मा को मिले हैं, जिन्होंने बताया है, जो जिन्होंने सचखंड देखा, उन्होंने आगे बताया है, यही विधि बताई है, और संत रामपाल जी महाराज ने ये दी है, तो हमें इससे पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि अपने सदग्रंथों से मेल खाता है और उन संतों के लिटरेचर से मेल खाता है वो ज्ञान, तो हम इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। सर, क्या आपको लगता है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? बिल्कुल जी, 100%। क्यों नहीं होगा सर, जब हमारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं, हमारी वाणियाँ गवाही दे रही हैं, और जिन संतों ने परमात्मा पाया वो गवाही दे रहे हैं भी, इस विधि के बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता। अगर आप और कोई साधना करोगे और कोई किसी संत के पास जाके जाओगे, वो कहीं मंत्री नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, किसी सदग्रंथ में प्रमाण ही नहीं है उसका, तो इससे संत रामपाल जी महाराज ने जो दिया है उसे 100% मोक्ष हो सकता है जी, ये प्रमाणित है। सर, अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो सर आज भी आपका संत रामपाल जी महाराज के प्रति वैसा ही भाव है जैसा बरवाला की घटना से पहले था? सर, ये देखो, मैं दोनों हाथ जोड़ के बताना चाहूँगा भी, मैं पहले इतना दुखी था, मैं बहुत जगह जाता था पहले भी, आपको बता चुका हूँ मैं, और मेरे को कोई कहीं से लाभ नहीं हुआ। और मैंने संत रामपाल जी महाराज को एक अरदास करी थी, मैं आश्रम में गया था भी, परमात्मा कहते हैं भी परमात्मा सबके कष्ट हर लेते हैं, लेकिन वो वाकई हुआ जी, परमात्मा ने मेरे सारे कष्ट हर दिए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं पूरी तरह ठीक हूँ, काम भी मेरा ठीक है, आर्थिक भी ठीक है, और सब लाभ हैं। संत रामपाल जी महाराज क्या हुए जी, जेल में हैं, आज भी हमें उनसे लाभ मिल रहे हैं, हम मन मन में प्रार्थना करते हैं तब भी हमारी सहायता होती है, तो हम क्यों ना जाएं वहाँ, क्या कारण है ऐसा ना जाएं, हम नहीं छोड़ सकते, हम जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमारे परमात्मा है वो, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा, और हमें पल पल लाभ दे रहे हैं वो। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? सर, टीवी चैनलों पर, सुप्रसिद्ध टीवी चैनल हैं जो हमारे, उन पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर आते हैं, आप उन फ़ोन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करो, कोई भी भक्त, कोई भी बहन अगर नाम लेने चाहती है तो उन पर कॉन्टैक्ट करो, अपने जिला स्तर पे जो भी नाम स्थल केंद्र हैं वहाँ खुले हुए हैं, वहाँ आदेश हुआ है नाम दान कर लेने का, तो वहाँ जाकर आप उनसे जुड़ सकते हो, नाम ले सकते हो और अपना जीवन सफल बना सकते हो। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, संदेश तो परमात्मा लेके आते हैं सतलोक से, हम तो प्रार्थना करते हैं सभी समाज से भी, अगर इस संसार में सुखी होना है और सही भक्ति करनी है और जन्म मरण से पीछा छुड़वाना है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण से अलावा इस दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी शरण नहीं है जो आपको मोक्ष दिवा सके और जो आपको ठीक रख सके और जो आपकी शारीरिक भी और आर्थिक स्थिति भी सुधार सके। और सभी से प्रार्थना है कि जितना भी हो सके, जितना जल्दी आप समझें, लेट मत हो, इस ज्ञान को समझो और समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।